हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं हम आईबीएल का, ठीक है। तो आईबीएल के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, क्या इसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वर्क लाइफ कैसी है, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जब आप एज अ फ्रेशर इसमें जाते हो, मेरे हिसाब से शायद अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन में हो तो आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप आईबीएल में एंटर कर रहे होके, या अगर आप किसी भी डोमेन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंपनी के बारे में ओवरऑल बात करता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ क्या होती है, पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो होती है ट्रेनिंग। तो आईबीएम की ट्रेनिंग्स कैसी हैं? सो आईबीएम की ट्रेनिंग्स एक नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी जैसी ही हैं। इवन ट्रेनिंग के मामले में आईबीएम काफ़ी ज़्यादा कंपनियों से अच्छी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कैसे डिपेंड करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, अगर आपने एज अ SAP में अगर आपका डोमेन आपको मिला है, सपोज करो आपने एज अ फ्रेशर रन किया, अगर आपको SAP में मिला है, तो आपकी ट्रेनिंग्स 3 से 4 तक की हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपकी डोमेन स्पेसिफिक रहती है, तो क्या डोमेन में आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एज अ जावा में अगर आपने ज्वाइन किया, हो सकता है आपको 1 की ट्रेनिंग मिले। तो जितनी भी लेकिन ट्रेनिंग मिलती है उसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, आपकी सबसे पहले एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स होंगी, फिर आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, लैब सेक्शंस होते हैं। तो ट्रेनिंग इज ओवरऑल गुड अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम में आपने ज्वाइन किया है, तो मैं यही कहूँगा कि वर्क फ्रॉम होम से इन ऑफिस ट्रेनिंग्स काफ़ी ज़्यादा बेटर होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करिए ट्रेनिंग्स की। अब ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग जब हमारी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, हमें होता है एक प्रोजेक्ट असाइन। अब जो प्रोजेक्ट असाइन होता है, तो आईबीएम में प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, तो आईबीएम काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रही है, प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, क्योंकि आईबीएम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, तो अगर आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को आपको मन में नहीं लाना है यार, ये सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है और डेवलपमेंट का काम नहीं है, ये वो। सपोर्ट के प्रोजेक्ट में भी कुछ भी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एज अ फ्रेशर आप एंटर कर रहे हो, तो आपको लर्निंग्स काफ़ी अच्छी सीखने को मिलने वाली हैं आईबीएम में। अब मैंने बात की लर्निंग्स अच्छी मिलनी है, क्यों मिलनी है लर्निंग्स अच्छी सीखने को, क्योंकि आईबीएम इज अ वेरी प्रोफेशनल कंपनी, यू विल फाइंड वेरी प्रोफेशनल पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल अराउंड यू। सो आपको क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जिसमें मतलब अपनी देशी हिंदी भाषा में बात चल रही है या प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो अपन को यार वो ये लर्निंग्स के साथ, टेक्निकल चीज़ों के साथ ये चीज़ें सीखना, कम्युनिकेशन सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, अगर आप एज कंपनी में एंटर कर रहे हो तो, राइट। तो आईबीएम एक वेरी एक अच्छी कंपनी है प्रोफेशनलिज्म के बारे में, और आपको काफ़ी सही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पीपल अराउंड यू इज वेरी हेल्पिंग, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपके सीनियर्स वगैरह जो भी हैं काफ़ी उस डोमेन में काम किया है, एक्सपीरियंस किया है, और अच्छे ब्रेन्स को हायर करती है आईबीएम, तो अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का यही कौन है कि हो सकता है आपको प्रोजेक्ट सपोर्ट रोल का भी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट रोल के भी आईबीएम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बात हो गई प्रोजेक्ट्स की। अब प्रोजेक्ट्स के बात करते हैं कि ईयर एंड अप्रेजल कैसे होंगे, हाइक कैसी होगी, सैलरी कैसी होगी। तो आईबीएम का एक कौन है कि इसमें जो एक कौन है वो यही कौन है कि मतलब इसमें आपको जो सैलरी हाइक्स है, प्रमोशन है, वो डिसेंट नहीं मिलता, बिलो एवरेज है। मतलब आईबीएम काफ़ी लोगों को हायर करती है, उस वजह से आप कह सकते हो या किसी भी वजह से कह सकते हो, प्रमोशन और हाइक्स आईबीएम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली दे शुड इम्प्रूव इन दिस, बिकॉज आप एक साल भी काम कर लेते हो आपको 5-8% हाइक मिल जाती है, ठीक है। तो वो उतना आपको नहीं लगेगा कि मतलब सैलरी में इतना कोई ज़्यादा मतलब चेंज नहीं आया है, ठीक है। दूसरी बात, प्रमोशन के लिए यार आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बात सही है। आपको प्रमोशन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रमोशंस यहाँ पे एक दिक्कत फैक्टर हो जाती है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली लर्निंग के हिसाब से आईबीएम इज रियली गुड, लेकिन आपको एक कैरियर का जो किक स्टार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म्स की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म स्टिक करने में हो सकता है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले बिकॉज ऑफ द सैलरी हाइक्स, ग्रोथ, ये चीज़ की वजह से आपको लगे कि हाँ मुझे स्विच करना चाहिए कंपनी को। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में जरूर कंसीडर करके रखना कि अगर आप आईबीएम में एक साल काम करते हो, दूसरा काम करते हो, इट्स रियली गुड, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा स्विच करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सैलरीज वरना मार्केट स्टैंडर्ड से कम रह जाएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। बात करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी गुड एंड आईबीएम नॉर्मल एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी से आईबीएम का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही है। तो यहाँ पर आपको वर्क लोड, वर्क स्ट्रेस,
मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता, होता है, लेकिन एक एवरेज आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा भी काम नहीं है जितना काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड कंपनी में होता है। एंड पॉलिसीज आर एम्प्लॉय फ्रेंडली, तो आपको उनका भी फायदा जरूर मिल जाएगा, लीव्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाती है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करूँ तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है, थोड़े बहुत आपको रीइंबर्समेंट मिल जाते हैं, फूड कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये सब सुविधाएं आपको IBM प्रोवाइड करती है। सो डेफिनेटली एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर एवरेज। ओके, सो अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने वाले हो इसको, सो फॉर योर स्टार्टिंग कैरियर द IBM इज रियली रियली गुड कंपनी, रियली गुड कंपनी। सो आपको बिल्कुल आग बन करके इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट हम कभी भी कोई चीज़ में एक बार एंटर करते हैं तो हमारा निशाना हमेशा होना चाहिए ग्रोथ पर। तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी में भी अपनी लर्निंग्स को बंद नहीं करना है, एक उससे अच्छी ऊपर लेवल पर जाने की हमें कोशिश करते रहनी है। बट आपको सीखने को काफ़ी सही मिलेगा, बिकॉज IBM इज अ रियली गुड कंपनी इन लर्निंग, और इसमें एज सच कोई कौन भी नहीं है जो मैंने आपको बताया, एक ये सैलरी वाला, इसके अलावा एज सच कोई इतना कौन नहीं है कि मतलब हाय कि ये कंपनी में क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज द कंपनी इज रियली गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ IBM, और आपको अगर ऐसी रिव्यू देखने हैं और तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा आपको पिंड कमेंट में, तो उसमें और कंपनीज के भी रिव्यू डले हैं, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कंपनीज में कैसा क्या वर्क कल्चर है, क्या होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट रिव्यू ऑफ IBM। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।